कभी भी करप्शन, अब्यूजेस, माल प्रैक्टिसेस यहाँ जहाँ हमें देखने को मिलती है वहाँ पर लोग उसके खिलाफ एक आवाज़ उठाते हैं, उसको सही करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे एफर्ट्स, मूवमेंट्स, स्कॉलर्स, लीडिंग पर्सनालिटीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं जो इस मूवमेंट को सपोर्ट करती हैं। आज हम उसी एक मूवमेंट की बात करने वाले हैं जो है रिफॉर्मेशन एंड काउंटर रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन एंड काउंटर रिफॉर्मेशन वर्ल्ड हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बिना वर्ल्ड हिस्ट्री अधूरी है, क्योंकि आगे जितने भी रिवॉल्यूशन हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो अमेरिकन रिवॉल्यूशन हो, चाहे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो, कोई सा भी रिवॉल्यूशन जो हमें देखने को मिलता है उसने इन्हीं दो जो रिफॉर्मेशन एंड काउंटर रिफॉर्मेशन ये जो मूवमेंट है इनसे इंस्पिरेशन ली है, इनकी आइडियोलॉजीज को फॉलो किया है, जो नए नए विचार इन दो मूवमेंट के द्वारा हमें देखने को मिलते हैं, सामने निकल के आए, लोगों ने उन चीज़ों को समझा, उन्हीं को देखते हैं। आज कई सारी कंट्रीज हैं जिनके कॉन्स्टिट्यूशन में उन आइडियाज़ को जगह दी गई है। उसमें से एक कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा खुद का, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जहां हम लिबरलिज्म की बात करते हैं, हम इक्वालिटी की बात करते हैं, हम ह्यूमनिज्म की बात करते हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ की बात करते हैं, कहीं ना कहीं इन सब के रूट्स जो हैं हमें इसी जो दो मूवमेंट हैं रिफॉर्मेशन और काउंटर रिफॉर्मेशन इनमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन की रिफॉर्मेशन के बारे में और काउंटर रिफॉर्मेशन के बारे में। एक बार हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेंगे, उसके बाद हम एक डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्या कैसे कॉजेज रहे, क्या ऐसी वजहें रहीं जिसकी वजह से रिफॉर्मेशन हुआ, और रिफॉर्मेशन होने के बाद क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। सेम इसी तरीके से काउंटर रिफॉर्मेशन के बारे में हम कुछ इसी तरीके से डिस्कस करेंगे कि व्हाट वर दी कॉजेज विच लेड टू काउंटर रिफॉर्मेशन, और काउंटर रिफॉर्मेशन ने क्या क्या प्रिंसिपल्स जो हैं उनको फॉलो किया, और काउंटर रिफॉर्मेशन होने के बाद क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं यूरोपियन सिस्टम में। जी हाँ, 16th एंड 17th सेंचुरी का ये जो टाइम पीरियड है, इसी टाइम पीरियड में यूरोप में इस तरीके के मूवमेंट हमें देखने को मिलते हैं, और ये मूवमेंट कुछ बहुत बड़े बड़े चेंजेस लाके सामने खड़ा कर देते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि रिफॉर्मेशन क्या होता है। तो रिफॉर्मेशन, जिसे हम प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं, अब ये प्रोटेस्टेंट क्या है इसके बारे में आपको पता चल जाएगा जैसे ही आप ये पूरा वीडियो कंप्लीट करेंगे कि व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोटेस्टेंट वर्ड। आज आपने देखा होगा चर्च दो तरीके के आपको मिलते हैं, एक प्रोटेस्टेंट चर्च होता है, एक कैथोलिक चर्चेस होते हैं। तो ये चर्चेस का डिवीजन कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका आंसर भी आपको इसी वीडियो में, इसी रिफॉर्मेशन एंड काउंटर रिफॉर्मेशन के डिस्कशन में मिलेगा। तो रिफॉर्मेशन को हम प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन बेसिकली एक रिलीजियस, एक पॉलिटिकल मूवमेंट था जो ये चाह रहा था कि जो भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि चर्च है, उसमें कुछ माल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, कुछ करप्शन हो रहा है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ अब्यूजेस हो रहा है, पोप जो है, जो प्रीस्ट है चर्च के, वो अपनी रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल ड्यूटीज फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनमें कुछ चेंजेस होने चाहिए। वही हमें काउंटर रिफॉर्मेशन जो है वो ये दिखाता है कि ये जो चेंजेस की हम डिमांड कर रहे हैं वो चेंजेस वो कैथोलिक चर्च करके देता है। तो ये है रिफॉर्मेशन, यानी कि एक रिलीजियस मूवमेंट है जो पॉलिटिकल एज वेल एज रिलीजियस जो मूवमेंट है उसके बारे में हमें बताता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज काउंटर रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन को हम जानते हैं प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के नाम से, क्योंकि काउंटर रिफॉर्मेशन को हम जानते हैं कैथोलिक रिफॉर्मेशन के नाम से। कैथोलिक रिफॉर्मेशन क्या है, इट इज बेसिकली अ रिस्पॉन्स टू द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। जिन वजहों से, जिन कारणों से जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन हुआ, उन वजहों को एड्रेस किया गया, उन कारणों को एड्रेस किया गया, चेंजेस लाए गए, और यही रिस्पॉन्स जो है वो हमें काउंटर रिफॉर्मेशन के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि रिफॉर्मेशन के क्या क्या कॉजेस थे, कौन कौन से फैक्टर्स ने ये रिफॉर्मेशन जो मूवमेंट है इसके होने में मदद की, यानी कि कौन कौन से ऐसे कॉजेस थे, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें थे जिन्होंने एड ऑन किया इस मूवमेंट पे, और उसके बाद हम देखेंगे क्या प्रिंसिपल था जिस पे रिफॉर्मेशन ने काम किया। 30 ईयर्स वॉर, ये भी एक बहुत ही फेमस वॉर हुआ है हिस्ट्री में। 16th-17th सेंचुरी की अगर हम बात करें, 1618 से लेकर 1648 तक, ये 30 ईयर्स वॉर, यानी कि 30 साल का ये जो युद्ध हुआ जिसमें यूरोप की बड़ी बड़ी पावर्स शामिल थी, ये भी रिफॉर्मेशन की वजह से ही हुआ है। रिफॉर्मेशन का भी एक आउटकम ये जो है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब
सबसे पहले हम बात करते हैं रिफॉर्मेशन के कॉजेस क्या क्या है। अब्यूजेस एंड माल प्रैक्टिसेस एंड करप्शन, ये हमें देखने को मिलता है। सबसे पहला कॉज जो पोप हैं, पोप और जो प्रिस्ट हैं चर्च के, वो अपनी ड्यूटीज को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे थे, वो अपनी स्पिरिचुअल ड्यूटीज से दूर जा रहे थे, पॉलिटिकल जो स्फीयर है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे थे। अब देखिए, जो भी राजा है, जो भी शासक है, वो यही चाहेगा कि उनके पॉलिटिकल अफेयर्स में किसी का भी इंटरफेरेंस कम से कम हो। लेकिन ये इनकी पावर्स इतनी बढ़ गई थी चर्च की कि ये पॉलिटिकल जो स्फीयर था उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरफेरेंस कर रहे थे, और जबकि अपनी स्पिरिचुअल ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं कर रहे थे। वो सारी चीज़ें जो बाइबल में प्रोहिबिटेड है, उन सारी चीज़ों को ये लोग अपना रहे थे। वो चीज़ें जो एक प्रीस्ट को, एक पोप को नहीं करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें ये कर रहे थे, जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा बढ़ा। और उसी गुस्से का जो रिजल्ट है वो हमें रिफॉर्मेशन मूवमेंट के रूप में देखने को मिलता है। तो ये था पहला कॉज, माल प्रैक्टिसेस, करप्शन एंड अब्यूजेस इन द चर्च। अब ये जो अब्यूजेस और ये माल प्रैक्टिसेस हो रही थी, ये किस तरीके से हो रही थी, इसमें एक एग्जांपल आपको देखने को मिलता है, द सेल ऑफ इंडल्जेंस। इंडल्जेंस का सेल, यानी कि चर्च ऐसे सर्टिफिकेट्स इशू करता था जो पनिशमेंट को कम करते थे। ठीक है, मान लो किसी ने कोई अपराध किया, अब उस अपराध की उसको सजा मिल रही है, तो चर्च क्या कर रहा है, चर्च बोल रहा है ये लो बेटा सर्टिफिकेट लो, मुझे कुछ अमाउंट दे दो, तुम सर्टिफिकेट अपने पास रखो, तुम्हारा पनिशमेंट कम हो जाएगा। तो ये करप्शन है कि आप पैसे ले रहे हैं, एक सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं कि गॉड की तरफ से ये सर्टिफिकेट तुम्हारे पास है, तुम्हारा पनिशमेंट कम हो गया। तो अब होगा क्या, लोग जिनके पास ज़्यादा पैसा है सर्टिफिकेट्स खरीदते जाएंगे और गुनाह करते जाएंगे। तो सेल ऑफ इंडल्जेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है चर्च की करप्शन से की अगर हम बात करें। दूसरा, साइमनी। साइमनी क्या है, सेल एंड परचेज ऑफ दी ऑफिसेस। ऑफिसेस की भी सेल परचेज होने लगी कि हम आपको ये पोजीशन देंगे, आप हमें इतना पैसा दे दो, हमको ये पोजीशन लेनी है, आप हमसे इतना पैसा ले लो। तो ये जो करप्शन है पैसों का, ये वहाँ पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिला। तो ये था पहला रीजन। दूसरे रीजन की अगर बात करें, क्योंकि हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं रेनेसा के बारे में, रेनेसा ने क्या किया, रेनेसा ने लोगों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग जो है उसको जन्म दिया। लोग अब सोचने लगे थे, डिस्कस करने लगे थे, जो चीज़ें पहले क्या होता था, चर्च ने जो कह दिया लोगों ने वो मान लिया, लेकिन अब रैशनैलिटी आ गई थी लोगों के अंदर। धीरे धीरे लोग ऑब्जर्व कर रहे थे चीज़ों को, क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे थे, जो गलत हो रहा है उसको समझ रहे थे। तो रेनेसा ने एक बोलते हैं ना, एक चिंगारी जो होती है, वो चिंगारी का काम किया, लोगों के अंदर एक थॉट प्रोसेस को डेवलप किया। अब इसकी रेनेसा की अगर हम बात करें, तो इसमें आपकी दो पर्सनालिटीज हुई हैं। पहली पर्सनालिटी है आपकी इरास्तमस। इरास्तमस ने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम है इन प्रेज ऑफ पॉली। इसमें उन्होंने जो भी सुपरस्टिशंस है चर्च के द्वारा चलाए जा रहे हैं उसको अटैक किया है। दूसरी एक पर्सनालिटी है जॉन विक्लिफ, जिन्होंने पॉप की जो अथॉरिटी है उसको भी क्रिटिसाइज किया कि पोप जो है वो अपनी ड्यूटीज़ को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो ये रेनेसा का एक कॉन्ट्रीब्यूशन है रिफॉर्मेशन मूवमेंट में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, वो है राइज ऑफ मिडिल क्लास। धीरे धीरे, क्योंकि हम देखेंगे रेनेसा का जो टाइम पीरियड है वहाँ पर हमें देखने को मिलता है, धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो रहा है, कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, मर्केंटलिज्म हो रहा है, ग्लोबल जो जियोग्राफिकल वॉयजेस हैं वो जा रहे हैं, तो लोगों का एक दूसरे से कनेक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर अर्निंग भी बढ़ेगी भाई, जितना ज़्यादा आप देखेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, लोगों की अर्निंग बढ़ेगी, तो यहीं पर और नए नए डिजिग्नेशंस भी बढ़ेंगे, जैसे लॉयर्स भी देखने को मिलेंगे, मर्चेंट्स देखने को मिलेंगे। तो एक जो मिडिल क्लास है वो उसका राइज होना शुरू हो गया। तो जो तीसरा कारण है वो है राइज ऑफ मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास ने कैसे ये जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट है उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, जो चर्च था बेसिकली इट वॉज कंट्रोल्ड बाई दी एरिस्टोक्रेसी। जो अमीर लोग थे, पैसे वाले लोग थे, वो कंट्रोल कर रहे थे चर्च को। अब एरिस्टोक्रेसी, ये जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, इनको अनप्रिविलेज्ड के रूप में देखती थी और इनके साथ एसोसिएट नहीं करना चाहती थी। लेकिन जो मिडिल क्लास है वो चाहता था कि हमारा एसोसिएशन भी रिलीजियस और सोशल पॉलिटिकल फील्ड में, हमारा भी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, हमारा जो एक पार्टिसिपेशन है वो बढ़े।
तो मिडिल क्लास ने भी अपनी आवाज़ उठाई कि चर्च में एरिस्टोक्रेसी का डोमिनेंस जो है वो खत्म होना चाहिए। तो ये एक रीजन निकल के सामने आता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कॉज की, वो है राइज ऑफ नेशन स्टेट एंड न्यू मोनार्की। अब नए नए नेशन स्टेट्स जो है उनका राइज होने लगा। अब देखिए हो क्या रहा था कि पोप और चर्च जो है वो पॉलिटिकल स्फेयर में अपना इंटरफेरेंस बहुत बढ़ा चुके थे। जो वहाँ के राजा महाराजाओं को रास नहीं आ रहा था, यानी कि उनको अच्छा नहीं लग रहा था। अब क्योंकि राजाओं ने देखा कि लोगों के अंदर चर्च के खिलाफ डिसकंटेंट बढ़ रहा है, तो क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए, हम भी अपनी बात रखते हैं, हम भी अपना एक बोलते हैं ना अपना पत्ता खेलते हैं और हम भी एक इस मौके का फायदा उठाते हैं। वैसे भी जब भी कोई एक बेसिक लेवल पे कोई मूवमेंट शुरू होता है, अगर उसको एक पॉलिटिकल लीडरशिप मिल जाती है तो वो मूवमेंट बहुत तेज़ी पकड़ लेता है और उसका इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। यही हुआ, इंग्लैंड के राजा थे हेनरी 8, जिनको ये पसंद नहीं था कि जो रोमन कैथोलिक चर्च है, जो पोप की अथॉरिटी है, वो उनके पॉलिटिकल जो स्फीयर है उसमें इंटरफेयर करें। उन्होंने भी आवाज़ उठाई, उन्होंने खुद को सेपरेट किया, अपने अलग चर्चेस बनाए। तो ये एक फैक्टर जो है वो भी हमें रिफॉर्मेशन के लिए देखने को मिलता है। अब ये जो सारी चीज़ें थी ये क्यों पॉसिबल हो पा रही थी? रिनेशन में हमने पढ़ा था कि 1453 में प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ। अब प्रिंटिंग प्रेस का जो इन्वेंशन हुआ उसने उसका जो सबसे बड़ा हमें कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है वो रिफॉर्मेशन मूवमेंट में देखने को मिलता है। कैसे? अब अगर आइडियाज़ किसी स्कॉलर को, किसी लीडर को, अपने आइडियाज़ को लोगों तक पहुंचाना है, आसानी से पहुंच रहे थे, पैफलेट्स छप रही थी, बुक्स छप रही थी, लोगों तक बहुत तेज़ी से विचारों का आदान प्रदान हो रहा था, विचार फैल रहे थे, लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया था, एक नई हैबिट डेवलप हुई, रीडिंग हैबिट। इससे पहले क्या था कि जो भी रिलीजियस टीचिंग्स हुआ करती थी चर्च के थ्रू लोगों तक पहुंचाई जाती थी, लोग खुद से नहीं पढ़ते थे, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस के बाद से लोगों ने बाइबल पढ़ना शुरू किया, उनकी रीडिंग हैबिट्स में आ गया। जब उन्होंने बाइबल पढ़ा तब उन्हें पता चला कि ये लोग जो चर्च जो कर रहा है वो तो बहुत गलत है, बाइबल में बहुत सारी चीज़ें प्रोहिबिटेड है, लेकिन चर्च में जो पोप हैं, जो प्रीस्ट हैं, वो इन सब चीज़ों को तो मान नहीं रहे, जो प्रोहिबिटेड चीज़ें हैं उन्हीं को अपना रहे हैं, वही तो ये तो बिल्कुल गलत है। लोगों के अंदर ये जो है एक थिंकिंग डेवलप हो गई, एक जो सच सामने निकल के आया वो इसी प्रिंटिंग प्रेस और रीडिंग हैबिट के थ्रू निकल के आया। तो ये भी एक बड़ा कारण है रिफॉर्मेशन मूवमेंट के लिए, लोगों ने किताबें पढ़ना शुरू किया, किताबें छापनी शुरू की और जो भी गलत चीज़ें हो रही थी वो लोगों तक पहुँची, लोगों ने उसे समझा और एक मूवमेंट जो है वो सामने हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब एक चीज़ और बात करें, क्योंकि प्रोटेस्टेंट मतलब होता है हम नया चेंज चाह रहे हैं। ठीक है, हम लिबरलिज्म की बात कर रहे हैं, हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल पे फोकस कर रहे हैं, हम नहीं चाहते हैं कि चर्च की अथॉरिटी थोपी जाए, चाहे वो पॉलिटिकल स्फीयर में हो, चाहे वो सोशल स्फीयर में हो, चाहे वो रिलीजियस स्फीयर में हो। हम चाहते हैं कि लोग अपनी जो भी अपना रिलीजियस उनकी बिलीव्स हैं उनको खुद समझें और खुद फॉलो करें। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पर हम देखेंगे कि जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन है, यानी कि जो मूवमेंट चल रहा है, तो यहाँ पर लोगों ने रोमन जो पोप था, जो कैथोलिक चर्च था, रोमन कैथोलिक चर्च था, उससे अलग नए चर्चेस जो हैं वो स्थापित होने लगे, जिन्हें हम प्रोटेस्टेंट चर्च के नाम से भी जानते हैं। अब जब रोमन और कैथोलिक चर्च का ये डिवीज़न हुआ तो जाहिर सी बात है कॉन्फ्लिक्ट होगा, लड़ाइयाँ होंगी, आइडियाज़ की लड़ाइयाँ होंगी। प्रोटेस्टेंट जो लोग थे, जो कैथोलिक लोग थे, यानी कि प्रोटेस्टेंट चर्च और कैथोलिक चर्च के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, आइडियाज़ की लड़ाई होती है, उनके बिलीफ सिस्टम की लड़ाई होती है, किस टेरिटरी पे किसका कब्ज़ा होगा उसकी लड़ाई होती है, सोवरेनिटी की लड़ाई होती है। और इसी लड़ाई का जो आफ्टर इफेक्ट में देखने को मिलता है वो 30 ईयर्स वॉर के रूप में देखने को मिलता है। 30 ईयर्स वॉर 30 साल तक चला, जैसे कि नाम है इसका, 1618 से 1648 तक। इसमें यूरोप की बड़ी बड़ी पावर्स शामिल थी। फाइनली 1648 में पीस ऑफ वेस्टफेलिया साइन किया जाता है, जिसमें ये जिसके बाद से ये जो युद्ध है इसका समापन होता है और इसका आउटकम निकल के आता है डिक्लाइन ऑफ द होली रोमन एम्पायर एंड राइज ऑफ द नेशन स्टेट्स, जिसका एग्जाम्पल है फ्रांस। फ्रांस इज अ पावरफुल नेशन स्टेट सामने निकल के आता है। ठीक है, तो ये है रिफॉर्मेशन। रिफॉर्मेशन में ये सारी चीज़ें हो रही थी, ये कॉजेज जो एक के बाद एक नए नए चेंजेस जो है वो सामने ला के खड़ा करते हैं, ये नए नए चेंजेस हमें इनके द्वारा देखने को मिलते हैं। ठीक है,
तो मोस्टली हम सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं कॉजेज के बारे में। अब कॉजेज में अगर हम बात करें, कुछ रह गया वो क्या है, तो रेनेसा की हम बात कर चुके हैं, ह्यूमनिज्म की बात कर चुके हैं। ह्यूमनिज्म ने, रेनेसा ने क्रिटिकल थिंकिंग जो है उसको डेवलप किया। जो ह्यूमनिस्टिक स्कॉलर्स थे उन्होंने ट्रेडिशनल अथॉरिटी को क्वेश्चन किया, जो भी ट्रेडिशनल चीज़ें चल रही थी, जो वैल्यूज़, जो रूल्स रेगुलेशंस चल रहे थे, उनको क्वेश्चन किया और सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए आवाज़ उठाई और उसके लिए काम भी किया। ठीक, पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हम बात कर चुके हैं कि जो राजा महाराजा थे उन्हें इंटरफेरेंस पसंद नहीं था, उन्होंने भी आवाज़ उठाई। राइज ऑफ मिडिल क्लास की भी हम बात कर चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ स्कॉलर्स की जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले हम बात करेंगे मार्टिन लूथर की। मार्टिन लूथर ने 1517 में 95 थेसिस पोस्ट की। ठीक है, इसमें उन्होंने जो चर्च की कुछ प्रैक्टिसेस हैं उनको, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, उसको रिफॉर्म करने की बात, जहां जिसका आउटकम हमें प्रोटेस्टेंट चर्च जो है उसके रूप में देखने को मिलता है। नेक्स्ट एक फ्रेंच है पर्सनालिटी जो है जॉन कैल्विन। जॉन कैल्विन ने भी अपनी एक बुक लिखी, द इंस्टीट्यूट क्रिश्चियन रिलीजन, जहाँ पर उन्होंने अपनी रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स जो हैं वो पब्लिश करी। उनका मानना ये था कि चाहे फेथ की बात हो, चाहे साल्वेशन की बात हो, लोग जो हैं, यानी कि जो पीपल हैं, वो बाइबल को ही एक सोल अथॉरिटी माने, यानी कि बाइबल को पढ़ें, बाइबल में जो लिखा है उसी को सोल अथॉरिटी मान के चले, चाहे फिर वो फेथ की बात हो, चाहे साल्वेशन की हो, चर्च बोलता है उस पर अंधाविश्वास ना करें। एक और पर्सनालिटी है उल्रिच जिंगली। इन्होंने चर्च के अब्यूजेस को अटैक किया, इंडलजेंस, सेल ऑफ इंडलजेंस, यानी कि जो सर्टिफिकेट इशू कर रहे थे उसकी बात करें, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। सेल ऑफ ऑफिसेस, यानी कि साइमनी के खिलाफ आवाज़ उठाई। एंड ही स्पोक ओपनली अगेंस्ट द क्लर्जी हु वर नॉट फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ द बाइबल। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन हमें रिफॉर्मेशन में देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे अपने आगे, जो हम आगे कॉजेज और इनके जो इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो जो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, आफ्टर इफेक्ट की बात करें तो हमें आफ्टर इफेक्ट में क्या देखने को मिलता है। सबसे पहला आफ्टर इफेक्ट जो है रिफॉर्मेशन का, वो है काउंटर रिफॉर्मेशन। ठीक है, काउंटर रिफॉर्मेशन के रूप में इसका आफ्टर इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। काउंटर रिफॉर्मेशन क्या है? कैथोलिक रिफॉर्मेशन है, रिएक्शन है प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के, जो मतलब प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन जो है उसके, उसका रिएक्शन है, यानी कि उसको एड्रेस करने के लिए जो है वो काउंटर रिफॉर्मेशन हुआ। अब काउंटर रिफॉर्मेशन की जो मेन फीचर्स हैं वो क्या है? इसका मेन एम था, मेन एम ऑफ द काउंटर रिफॉर्मेशन इज टू रिफॉर्म द चर्च फ्रॉम विद इन। चर्च में जो भी कमियां थी, जो भी खामियां थी, जो भी माल प्रैक्टिसेस जो आ गई थी, जो भी करप्शन हो रहा था, अंदर से चर्च की वो सारी जो तमाम बेकार चीज़ें थी, जो तमाम माल प्रैक्टिसेस थी, उन सब को अंदर से ख़त्म करना, यानी कि फ्रॉम विद इन चर्च को रिफॉर्म करना। अब चर्च को रिफॉर्म करने के लिए एक, इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट हमें एक इवेंट देखने को मिलता है वो है काउंसिल ऑफ ट्रेंट। काउंसिल ऑफ ट्रेंट हुआ 1545 से लेकर 1563 तक। इसका जो मेन एम था वो था कैथोलिक चर्चेस को रिफॉर्म करना, जो भी कमियां थी उन्हें दूर करना। तो इट रीअफर्म्ड द कैथोलिक डॉक्ट्रिन्स एंड एड्रेस्ड द अब्यूजेस। एक नई चीज़ जो हमें देखने को मिलती है वो है सोसाइटी ऑफ जीसस, जिसे हम जेसूट्स के नाम से भी जानते हैं। एक सोल्जर थे जिन्होंने अपने दोनों पैर युद्ध में गंवा दिए थे, ये उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। ये सोसाइटी फाउंड की गई जिसका मेन काम था टू प्रमोट एजुकेशन, अब लोगों तक एजुकेशन पहुंचाएंगे तो ये अच्छा काम है। एंड इंगेज इन द मिशनरी वर्क। आप देख रहे होंगे आज भी इंडिया में हो या बाकी अफ्रीका जैसी कंट्रीज हो, यहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरीज देखने को मिलते हैं। तो ये जो मिशनरी वर्क है ये शुरू हुआ काउंटर रिफॉर्मेशन के दौरान ही। यहाँ से ही उनको लगा कि हमें अपनी जो टीचिंग्स हैं उन्हें चारों तरफ फैलानी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, लोगों को जानना चाहिए, ताकि क्रिश्चियनिटी ज़्यादा से ज़्यादा चारों तरफ फैले। जो भी अब्यूज़र्स थे, जो भी गलत चीज़ें थी, वो यहाँ पर सही की गई। उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स जो हैं वो हमें देखने को मिले, पॉजिटिव थिंकिंग हमें देखने को मिलती है कैथोलिक चर्चेज में। मिशनरी वर्क इसका सबसे बड़ा आउटकम है जो आज भी हमें देखने को मिलता है। बहुत सारे मिशनरी स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जिनके थ्रू जो क्रिश्चियंस हैं वो अपनी टीचिंग्स को फैला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ठीक है,
एंड जो ये काउंटर रिफॉर्मेशन है इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड आर्ट एंड आर्किटेक्चर. देखिए किसी भी चीज़ को लोगों तक पहुंचाने का सबसे अच्छा तरीका होता है आर्ट का सहारा ले लीजिए, आर्किटेक्चर का सहारा ले लीजिए. एक बहुत बड़ा आर्ट एंड आर्किटेक्चर फॉर्म जो हमें देखने को मिलता है वो है बोरोक. बोरोक एक आर्ट आर्किटेक्चर फॉर्म है जिसकी बेसिक जो थीम है वो रिलीजियस थीम है. जैसे कि हम बुद्धिज्म में देखते हैं, जातका स्टोरीज के बारे में तो आपने सुना ही होगा, बुद्धिज्म में देखते हैं जातका स्टोरीज के थ्रू बुद्ध की जीवन की कहानियां जो हमें बताई जाती हैं. इसी तरीके से जो कैथोलिक चर्चेस की डॉक्ट्रिन्स हैं, जो टीचिंग्स हैं, वो इस आर्ट फॉर्म बोरोक आर्ट फॉर्म्स के थ्रू बताई जा रही हैं लोगों तक आसानी से पहुँच रही हैं. आर्ट और आर्किटेक्चर लोगों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है और चीज़ें समझाने के लिए बहुत आसान तरीका है. हम बहुत बेहतरीन वे में अपनी चीज़ों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं आर्ट का सहारा लेके, आर्किटेक्चर का सहारा लेके. तो ये एक आउटकम जो है वो हमें काउंटर रिफॉर्मेशन का देखने को मिलता है. अब हम बात करें बाकी सारे आउटकम की, तो एफर्ट्स मेड टू कम्बैट दिस साइमनी, जिसकी हम बात कर चुके हैं कि जो सेल ऑफ ऑफिसेस था, सेल एंड परचेज ऑफ ऑफिसेस था, उसको कम्बैट करने की कोशिश, उसको बंद करने की कोशिश करने की ये जो प्रैक्टिस है ये गलत प्रैक्टिस है, इसे बंद होना चाहिए. इसके लिए भी, इसके बारे में भी एफर्ट्स जो हैं वो लिए गए. कैथोलिक चर्चेस ने इसको भी एड्रेस किया, ठीक है. एंड इट री इन्फोर्स्ड द अथॉरिटी ऑफ पोप. पोप की जो अथॉरिटी डिक्लाइन हो गई थी, डिक्लाइन क्यों हो गई थी, क्योंकि भाई लोगों तक ये पहुंच गया था कि वो अपनी स्पिरिचुअल ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, माल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जो जो चीज़ें बाइबल में प्रोहिबिटेड है वो सारी चीज़ें वो कर रहे हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए. तो इससे पोप की अथॉरिटी बहुत हद तक डिक्लाइन हो गई थी. लेकिन काउंटर रिफॉर्मेशन में जब कैथोलिक चर्चेस ने खुद को रिफॉर्म किया, बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया, तो उन्होंने पोप की जो अथॉरिटी है उसको फिर से रीइन्फोर्स किया. सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी जो होली रोमन एम्पायर में थी, जो कैथोलिक होली रोम कैथोलिक चर्च थे उसकी जो अथॉरिटी थी उसको फिर से वापस से अपने जो पुराना स्टैचर है उस पर लेके आने की कोशिश की गई, ठीक है. अब ग्लोबल लेवल पे इसका इफेक्ट हमें बहुत देखने को मिलता है, जिसका हम पहले भी बात कर चुके हैं, मिशनरी वर्क. मिशनरी वर्क के थ्रू ग्लोबली जो कैथोलिक चर्च की टीचिंग्स हैं उनको फैलाया गया, क्रिश्चियनिटी को फैलाया जाने लगा. और क्योंकि इसी समय हम देखते हैं बहुत सारे ग्लोबल वॉयजेस होते हैं, अमेरिका की खोज होती है और इंडिया की खोज होती है, तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स आते हैं, इंग्लिश आते हैं, यूरोपियन जो पावर्स हैं वो यूरोपियन कंट्रीज आती हैं और अपने साथ ही मिशनरी वर्क भी लाती हैं. जो मिशनरी जो आपकी चर्च की टीचिंग्स हैं, जो क्रिश्चियनिटी की टीचिंग्स हैं उनको भी फैला रही हैं साथ में, ठीक है. तो ये चीज़ भी हमें देखने को मिलती है. अब हम बात करें कैथोलिक मिशनरी वर्क हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है अमेरिका में, एशिया में, अफ्रीका में, क्योंकि यही कॉन्टिनेंट्स हैं जिनकी खोज हुई उस दौरान. अब एक बहुत बड़ा आउटकम देखने को मिलता है काउंटर रिफॉर्मेशन के बाद, कई सारी कंट्रीज जो हैं उन कंट्रीज की जो आइडेंटिटी है वो कैथोलिक कंट्रीज के रूप में निकल के सामने आई, जिन्होंने कैथोलिक चर्च जो है उसको फॉलो किया, कैथोलिक चर्च के आइडियल्स को, बिलीफ सिस्टम को फॉलो किया. इसका एग्जाम्पल हम देखें तो स्पेन और इटली, पार्ट्स ऑफ जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया, ये कुछ कंट्रीज हैं जिन्हें हम कैथोलिक कंट्रीज के नाम से भी जानते हैं. फाइनल अगर हम इस अपने पूरे डिस्कशन, पूरे डिबेट को कंक्लूड करें तो हम ये देखेंगे रिफॉर्मेशन एंड काउंटर रिफॉर्मेशन के हम के बाद में क्या देखने को मिलता है. पहली चीज़, चर्च का डिवीजन देखने को मिलता है. प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक चर्चेस हमें देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लड शेड देखने को मिलता है, लोगों की लाइफ लॉस देखने को मिलती है, मिशनरी वर्क देखने को मिलता है, स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी देखने को मिलता है. जो कैथोलिक चर्चेज हैं वो रिवाइटलाइज होते हैं, ये भी हम देखते हैं, उनमें रिफॉर्म किया जाता है, ये भी हम देखते हैं, और उनका जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है वो भी हमें देखने को मिलता है. तो यहाँ से रिफॉर्मेशन एंड काउंटर रिफॉर्मेशन की जो डिस्कशन है वो ख़त्म होता है. आई होप कि ये टॉपिक मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, मैंने बहुत कोशिश की है, बहुत एफर्ट्स डाले हैं. आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू टीच यू दिस टॉपिक इन अ वेरी बेटर एंड वेरी सिंपल वे, और मुझे ये आशा है कि मैं इसमें सफल भी हुई हूँ. अगर आपको ऐसा लगता है, अगर आपको ये पसंद आया है, तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो है एनलाइटनमेंट. यहाँ पर हम एनलाइटनमेंट आइडियाज़ की बात करेंगे. बहुत सारे फिलोसोफर्स हुए हैं, बहुत सारी पर्सनालिटीज़ हुई हैं, जैसे कि रूसो हैं, कांट हैं, तो इनके बारे में भी इसमें हम डिटेल में चर्चा करेंगे. आज का वीडियो यहीं तक था. देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया. थैंक यू.